ये है हडिम्बा देवी मंदिर। स्थानीय रूप से ये डुगरी मंदिर के रूप में जाना जाता है और जिसे हडिम्बा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य एक ही हिल स्टेशन है मनाली के स्थित है। ये एक प्राचीन गुफा मंदिर भीम की पत्नी हडिम्बा देवी को समर्पित है, जो भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक प्रेरित है। मंदिर हिमालय के तल की धूगिरी वन विहार नामक एक देवदार के जंगल के घिरा हुआ है। अभ्यारण एक विशाल चट्टान के ऊपर बनाया गया है, जो जमीन से बाहर निकली हुई एक जिसे देवता के छवि के रूप में भी पूजा जाता है। संरचना 1593 में महाराजा बहादुर सिंह द्वारा बनाई गई थी। बता दें कि इनका संबंध हिंदू धर्म से है और ये कुल्लू राज्य में हडिम्बा देवी को समर्पित है। मैप की लोकेशन आपको नीचे दे दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। हडिम्बा देवी का निर्माण 1553 में ईसा पूर्व में महाराजा बहादुर सिंह ने करवाया था। मंदिर में एक गुफा चारों ओर बनाया गया है, जहां ये देवी हडिम्बा ने ध्यान धर लिया था। माना जाता है कि हडिम्बी अपने भाई हडिम के साथ वहां रहती थी और उनके माता पिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। एक राक्षस परिवार में जन्मी हडिम्बा ने उस व्यक्ति से शादी करने की कसम खाई थी जो उनके भाई को हडिम्ब को हरा दे, जो बहुत बहादुर और निडर माना जाता था। पांडवों के वनवास के दौरान जब उन्होंने मनाली भीम का दौरा किया था तो 5 पांडवों के एक हडिम्ब को हरा दिया था और तब जाकर हडिम्बा ने भीम से विवाह किया और उनके पुत्र घटोचक को जन्म दिया। नाली में लोग हडिम्बा देवी को देवता के रूप में पूजते हैं। नवरात्रि के दौरान पूरे देश में सभी हिंदू देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन मनाली में लोग हडिम्बा देवी की पूजा करते हैं। मंदिर के बाहर लोगों की कतारें देखी जा सकती हैं, लेकिन नवरात्रि में भी भीड़ बढ़ जाती है। हर साल वसंत के दौरान स्थानीय लोगों का हडिम्बा देवी में मेला मनाया जाता है। हडिम्बा देवी में मंदिर में लकड़ी के दरवाजे और अभयारण्य के ऊपर एक 24 मीटर लंबा लकड़ी का शिखर या टावर है। टावर में लकड़ी की टाइलों में ढकी 3 चकोर छतें और शिखर पर एक चौथी पीतल की शंख के आकार की छत है। पृथ्वी देवी दुर्गा मुख्य द्वार की नक्काशी का विषय बनाती है। जानवरों और पत्तेदार डिजाइनों में नरकृतियों, भगवान कृष्ण के जीवन और ग्रहों के दृश्यों को भी चित्र में दर्शाया गया है। मंदिर का आधार सफेद मिट्टी से ढके पत्थर का नाम से बना है और मंदिर के अंदर एक विशाल चट्टान व्याप्त है। केवल 7.5 सेमी मतलब 3 इंच लंबी पीतल की छवि देवी हडिम्बा देवी का दर्शन करने का मौका मिलता है। चट्टान के सामने एक रस्सी लटकती हुई है और एक किंवदंती के अनुसार पुराने दिनों में धार्मिक कट्टरपंथियों ने पापियों के हाथों को रस्सी से बांध दिया था और फिर उन्हें चट्टान से खिलाफ झूलाया। मंदिर से लगभग 70 मीटर की दूरी पर देवी हडिम्बा के पुत्र घटोचक को समर्पित एक मंदिर है और जो भीम से शादी करने के बाद पैदा हुआ था। मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता, जिसे कि मंदिर के अंदर पत्थर में एक खंड पर उकेरी गई देवी के पैरों की छाप की पूजा की जाती है और इसे महाभारत कथा के साथ जोड़ा जाता है। भारतीय महाकाय महाभारत वर्णन करता है कि पांडव अपने निवास के दौरान हिमाचल में रहे थे। मनाली में हडिम्बा नाम के सबसे मजबूत व्यक्ति और हडिम्बा के भाई उन पर हमला किया और लड़ाई में पांडवों सबसे मजबूत भीम ने उसे हरा दिया। भीम और हडिम्बा की बहन हडिम्बी फिर शादी कर ली और एक बेटा हुआ घटोचक, जो बाद में कौरवों के खिलाफ युद्ध में एक महान योद्धा साबित हुआ। जब भीम और उनके भाई निवासन से लौटे तो हडिम्बी ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि पीछे रहकर तपस्या, ध्यान, प्रार्थना और तपस्या का एक आयोजन किया ताकि अंत एक देवी का दर्जा प्राप्त किया जा सके।